हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 12 दिसंबर 2023। करंट अफेयर्स में क्या है हाइलाइट्स आज के? तो कुछ नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनके नाम हम जानेंगे और किस स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, ये आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। और भी देख लेते हैं आज के और हाइलाइट्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और साथ में ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज के साथ हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या रहा है। तो पहला पॉइंट आ रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, यहाँ के आज ही नए चीफ मिनिस्टर डिसाइड हुए हैं। तो ये नए चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं, ये चार नाम यहाँ दिया हुआ है और राइट आंसर है ए ऑप्शन, विष्णु देवसाई। ये रहे विष्णु देवसाई। साथ में हम ये भी रिवाइज कर ले कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं और मिजोरम के कौन बने हैं। तो रेवंत रेड्डी बने हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, ये रहे रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस के हैं। और साथ में मिजोरम के लालदू होमा, जो कि जोराम पीपल्स मूवमेंट के वो लीडर हैं, वो ये रहे। तो ये मिजोरम के, तो तीनों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम के चीफ मिनिस्टर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज द फर्स्ट बायएनुअल फेस्टिवल ऑफ इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बीन ऑर्गेनाइज्ड? और यह हर 2 साल पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये पहली बार जो अभी शुरू हुआ है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया ये प्राइम मिनिस्टर ने, ये देखिए पुरातन काल के ये ताले चाबियां रखे हुए हैं। तो ये वो स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में, ए ऑप्शन न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द फर्स्ट बायएनुअल आर्ट्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। द फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम December 9 to December 15, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पर और टेक अवेज हैं। मेजर फेस्टिवल्स ऑफ 2023, लैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता, मौनलाम चेनमो फेस्टिवल लेह में, और माघी मेला फेस्टिवल पंजाब, वाटर हिस्ट्री फेस्टिवल दिल्ली, बिजली उत्सव आसाम, थावे फेस्टिवल बिहार और घूमछू फेस्टिवल, ओके, ये सिक्किम से। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए तमाम न्यूज जो करंट अफेयर्स के लिए लेकर आते हैं, सेलेक्ट एफर्ट। इसमें जो आपको पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही हैंड पिक पॉइंट्स होते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हाई टाइम है, इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत हेल्प होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ हाल में इंडियन प्लेयर्स का वुमेन प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन हुआ, और आपको यहाँ ये बताना है कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, सबसे ज्यादा पैसे में एक साल के, किस प्लेयर को सेलेक्ट किया गया। हरमनप्रीत कौर, देविका वैद्या, काश्वी गौतम या स्मृति मंधाना? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, काश्वी गौतम। ये रही काश्वी गौतम, इनको 2 करोड़ में इनको बुक किया गया है आने वाले आईपीएल जो सीजन 2 होगा, और इसमें ही सेकेंड में 1.5 करोड़ में लिया गया है वृंदा दिनेश को। साथ में ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं एनाबेल सुदरलैंड, इनको भी 2 करोड़ में लिया गया है और ये खेलेंगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ये खेलेंगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट याद रखिए, काश्मी गौतम गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं, वृंदा दिनेश यूपी वॉरियर्स ने इनको सेलेक्ट किया है, एनाबेल सुदरलैंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 वॉज वन बाई मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस जीती थी और साथ में इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड गुजरात जायंट्स। तो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आता है अगला पॉइंट, मेरा गाँव मेरी धरोहर, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? राइट आंसर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इस स्कीम में मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि मैपिंग करेंगे वो डिफरेंट विलेजेस के और उनकी मैपिंग करेंगे और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे सारे विलेजेस के। अब यहाँ पे टेकअवेज देख लेते हैं। रिसेंटली लॉन्च मेजर स्कीम्स, हाल में और भी कौन से स्कीम लॉन्च किए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं।
हॉट कुक बिल स्कीम उत्तर प्रदेश, आबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड, लाडली बहना योजना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाडली बहन इम्पोर्टेंट सारे हैं, बट ये देखता हूँ कि ये बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश और गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका, सबल योजना हिमाचल प्रदेश, मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर लोक सेवक आरोग्य योजना आसाम, चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम ये बिहार में शुरू हुआ है, और चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम ये छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम है, तो जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए जो मजदूर लोग उनके लिए पेंशन स्कीम शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार में, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है यहाँ पॉइंट, विद हुम विल यूनिसेफ लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। तो यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है ग्रीन राइजिंग, ये किस देश के साथ मिलकर ये शुरू कर रहे हैं, और राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारत। टेक अवे देखते हैं, यूनिसेफ एंड इंडिया टू लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 समिट इन दुबई। तो ये लोकेशन भी याद रखेंगे, वेन्यू भी ये दुबई में। सो यूनिसेफ एंड इंडिया टू लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP28 समिट इन दुबई। द एम इज टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड टू एक्टिवली एंगेज इन ग्रीन एक्टिविटीज। सो युवा अभियान इन इंडिया एम्स टू इंस्पायर यूथ टू टेक अप ग्रासरूट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। इनफैक्ट इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट चेहरे को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इंडिया के हीरोज हैं, जिसका लिस्ट मैं अगली बार आपको देने की कोशिश करूंगा। यूनिसेफ क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। यूनिसेफ इज नाउ नोन एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड अब इसका नया नाम है। एस्टैब्लिश्ड ऑन 11th of December 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। इट्स करेंटली हेडेड बाय कैथरीन एम रसेल। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रमोट न्यूट्रिशन एजुकेशन सैनिटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कुछ और टेक अवेज है यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी एक बार रिवाइज कर लें। सो अमेरिका हैज प्रोवाइडेड 677 बिलियन इन एड टू 213 कंट्रीज फ्रॉम 2001 एंड 2023 के, यानी इस दरमियान 617 बिलियन डॉलर सपोर्ट दिया है। अफगानिस्तान परमानेंटली क्लोज इट्स एम्बेसी इन इंडिया। देन यहां पर एक और याद रखेंगे, द शिप, एक शिप आ रही थी इंडिया के लिए जिसको हाईजेक कर लिया गया रेड सी में, और हौतीज ने इसको हाईजेक किया है, हौतीज ने इसको हाईजेक किया है। ये थोड़ा वर्ड्स इधर उधर हो गए, मैं पूरी बात समझा देता हूँ कि एक शिप आ रही थी भारत में जिसको हाईजेक कर लिया है हौती रेबल्स ने, और ये शिप को हाईजेक किया रेड सी में। नाउ जेवियर मिले हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स अब आगे हम रिवीजन सेक्शन में, और देख लेते हैं आज क्या क्या पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स है जो हमको रिवाइज करना चाहिए प्रीवियस वीक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर है, द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल गिरीश चंद्र मुर्मू, द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली इज फातिमा बीवी। वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम्स, तो जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए एक खेलो इंडिया गेम शुरू किया गया है, पहला होगा दिल्ली में। द स्टेट इन विच द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीन अनवील्ड, दैट इज तेलंगाना। वेयर विल बफलो रेस, दैट इज नम्मा कंबाला कॉम्पिटिशन बी ऑर्गेनाइज, अगेन बेंगलुरु। द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, वो मिला है इश्वाक सिंह को फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म बर्लिन। फिल्म का नाम है बर्लिन, जिसमें अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। मिस यूनिवर्स 2023 बनी है शानिस पैलेसियस, एंड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया है 20th of November को। For how many years has ICC banned West Indies player Marlon Samuels? He has been banned for 6 years. और World Heritage Week मनाया जाएगा 19th to 25th of November. मनाया गया already. So Mohammed Moizou is the new president of Maldives and Cyclone Midili, okay, has hit the coast of Bangladesh. The state government will change, that is reduce the school hours
जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल आवर्स को रिड्यूस करेगा वो है उत्तर प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे आपके लिए जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आज का हम समाप्त करते हैं ये एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।